एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज आपको स्क्रबिंग करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी जो 99% में से, आई एम श्योर कि आप में से ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं, 99% लड़के लड़कियाँ ये नहीं जानते हैं। स्क्रब करना होता है इतना सबको पता है, लेकिन इसका करने का तरीका होता है, कैसे करना है और कब करना है, इसका जो करने का एक टाइम होता है, एक तरीका होता है, तो वो सब आज आपको बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से स्क्रब कर लेते हैं हफ्ते में 2 बार, तो 1 महीने के अंदर आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स दूर होने के बाद कोरियन ग्लास स्किन, आप समझ रहे हैं ना, कोरियन ग्लास स्किन कैसी होती है, बिल्कुल टेंशन फ्री और बिल्कुल प्रॉब्लम फ्री स्किन आपकी, शाइनी स्किन आपको और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ स्किन आपको प्रोवाइड हो जाएगी अगर आप इस तरह से स्क्रब करते हैं। तो दोस्तों, स्क्रब करने के लिए आपको पहले स्क्रब की जरूरत होगी। अब स्क्रब कौन सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, महंगा हो या सस्ता हो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आप सस्ता भी ले सकते हैं, महंगा भी ले सकते हैं, कैसा भी स्क्रब ले सकते हैं, लेकिन उसके पार्टिकल थोड़े से बारीक होने चाहिए, आपकी स्किन के लिए सुटेबल होना चाहिए। आप घर का बना हुआ स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कॉफ़ी पाउडर ले लीजिए, उसको बारीक पीस लीजिए, उसमें ऑयल मिक्स कर लीजिए, ऑलिव ऑयल या बादाम का तेल उसमें मिक्स कर लीजिए, या फिर आप नारियल तेल भी मिक्स कर सकते हैं, या तो फिर चावल के आटे में भी मिक्स कर सकते हैं, आप उससे अपना स्क्रब बना सकते हैं, या फिर आप पिसी हुई चीनी बिल्कुल पाउडर बना लीजिए चीनी का, और उससे भी आप अपना स्क्रब ऑयल मिक्स करके बना सकते हैं। तो अब मैं बताऊंगी कि स्क्रब करने का जो सही टाइम है वो क्या है, वो है रात को सोने से पहले। स्क्रब कभी भी आपको दिन में नहीं करना है। बहुत सी लेडीज, बहुत से लड़के लड़कियां दिन में स्क्रब करते हैं और फिर उसके बाद घर से बाहर चले जाते हैं। जब हम स्क्रब करते हैं तो हमारी स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं, और जब हम बाहर जाते हैं तो डर्ट, धूल, मिट्टी, जो भी पॉल्यूशन की वजह से जो भी हमारी स्किन को डैमेज होता है वो अंदर तक चला जाता है। तो कभी भी आपको स्क्रब दिन में नहीं करना है, हमेशा रात को सोने से पहले ही करना है। अब बात करते हैं कि स्क्रब करने का सही तरीका क्या है। जब भी आपको स्क्रब करना है, आप गर्म पानी से अपने चेहरे को धो लेंगे। कि हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा मना करती हूँ कि गर्म पानी से चेहरा कभी ना धोएं, लेकिन जब भी स्क्रब करना है आपको चेहरा अपना गर्म पानी से धोना है। बहुत हल्का गुनगुना भी नहीं हो और बहुत तेज गर्म भी नहीं होना चाहिए कि स्किन जल जाए, इतना हो कि आपको पता चले कि हाँ, गर्म पानी से आप चेहरा धो रहे हैं। कोई भी फेस वॉश, कोई भी साबुन यूज कीजिए और अपने चेहरे को अच्छी तरह गर्म पानी से धो लीजिए। उसके बाद आप कोई भी स्क्रब लेंगे ऐसे, और अपने चेहरे पर गर्म पानी अच्छे से लगाएंगे और उस पर स्क्रब लगाएंगे आप, और 5 से 10 मिनट स्क्रब करेंगे, 10 मिनट कम से कम। स्किन रेड हो रही है, होने दीजिए, कोई बात नहीं। इससे आपकी स्किन की डेड सेल पूरी तरह से हट जाती है, जो भी गंदगी आपकी स्किन पर होती है पूरी तरह से हट जाती है। और इसको आप 10 मिनट कम से कम हल्के हाथ से, एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, बहुत टाइटली रब नहीं करना है, बहुत हल्के सॉफ्ट हाथ से आपको इसको सर्कुलर मोशन में अपने पूरे चेहरे पर रब करते रहना है। गर्म पानी थोड़ा थोड़ा एक दो ड्रॉप लगाते जाइए और इससे स्क्रब आप इस तरह से करते जाइए, पूरे स्किन पर, पूरे चेहरे पर, गर्दन पर इस तरह से आपको स्क्रब कर लेना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इस तरह से चल जाएगा, आप ऐसे ही कर सकते हैं जैसे मैं बिल्कुल बता रही हूँ। ऑयली स्किन वाले भी इस तरह, मतलब सभी कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन ऑयली स्किन वाले अगर इस वक्त स्क्रब करते हुए थोड़ा सा पहले आप स्टीम ले लें 5 से 10 मिनट, और स्टीम लेते हुए ही आप इस तरह से अपने चेहरे पर स्क्रब करते हैं तो और जल्दी आपके चेहरे पर ग्लो आ जाएगा और जल्दी आपके चेहरे पर निखार आ जाएगा। तो स्क्रब करने के बाद आपको 10 मिनट करने के बाद आपको चेहरा अपना वॉश करना है, और गर्म पानी से ही आपको वॉश करना है। फिर आप हल्के से, सॉफ्ट से, किसी कपड़े से या टी शर्ट वगैरह से इस तरह डैप डैप करके अपने चेहरे को इस तरह पोंछ लेंगे। अब आपको एक और स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि अगर आपको हेल्दी ग्लो स्किन चाहिए, बिल्कुल शाइनी कोरियन ग्लास स्किन चाहिए, तो ये स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्क्रब करने के बाद आपको अपनी स्किन को हैवी मॉइस्चराइज करना है। हैवी मॉइस्चराइज से मतलब आप समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छी तरह से भर के आपको वैसलीन पेट्रोलियम जेली या तो फिर कोई भी ऑयल अपने चेहरे पर लगाना है और उससे अपने चेहरे पर मसाज करनी है, और 5 मिनट मसाज करनी है स्किन के अंदर तक। ये मॉइस्चराइज जो आप स्किन को कर रहे हैं, मॉइस्चराइजर आपका स्किन के अंदर तक चला जाना चाहिए। 5 मिनट मसाज करने के बाद आप इसको छोड़ देंगे। उसी वक्त अब जब आप अपनी स्किन पर हाथ लगाकर देखेंगे ना, तो बिल्कुल जो रफनेस है, डलनेस है, हट चुकी होगी और बहुत सॉफ्ट और स्मूथ आपकी स्किन हो चुकी होगी। इस तरह अगर आप स्क्रब करते हैं तो 1 महीने के अंदर प्रॉब्लम फ्री आपकी स्किन हो जाएगी और बिल्कुल शाइनी स्मूथ स्किन आपकी हो जाएगी।
जाएगी और स्किन पर कोई भी किसी भी तरह की डर्ट और कोई गंदगी रहेगी ही नहीं, तो आपकी पिंपल, एक्ने, दाग धब्बे, सारी प्रॉब्लम स्किन की दूर हो जाएगी और स्किन आपकी ऐसे चमकदार हो जाएगी और शाइनी हो जाएगी। तो इस तरह से स्क्रब ज़रूर कीजिए, स्क्रब करने का सही तरीका यही है और इस तरह करेंगे तो बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे अपनी ड्रीम स्किन, आप अपना ड्रीम ब्यूटी, अपने ड्रीम फेस आप अचीव कर पाएंगे। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब तक बेल आइकन आप प्रेस नहीं करेंगे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।